नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, पूरी दुनिया में भारत तेल उत्पादन में, ऑयल सीड उत्पादन में चौथे नंबर पे है, जिसमें 28.6% हिस्सा जो है मस्टर्ड क्रॉप निभाती है, यानी सरसों की फसल। कुल उत्पादन में, कुल तेल के उत्पादन में 28.6% हिस्सा जो है सरसों की फसल का है, यानी मस्टर्ड क्रॉप का। ये रबी की क्रॉप है। तेल की श्रेणी में सोयाबीन और पाम ऑयल के बाद तीसरा स्थान मस्टर्ड ऑयल का है। इसका उत्पादन क्यूलिनरी पर्पज़ के लिए किया जाता है। इसके जो लीव हैं वो वेजिटेबल पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, और इसका जो ऑयल केक बनता है, जब ऑयल निकल जाता है तो जो बेस्ट बनता है उसकी फीडिंग बनती है, उसकी फीड बनती है कैटल्स के लिए, पशुओं के लिए। इसके उत्पादन और इसके एरिया के हिसाब से इसे कुछ समूहों में बांटा गया है, जैसे इंडियन मस्टर्ड, ब्राउन मस्टर्ड, येलो सरसों, राया एंड तोरिया। इंडियन मस्टर्ड जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, गुजरात में उगाई जाती है, और कुछ साउथ के एरिया में जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में, और जो अन्य एरिया हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के हैं वहाँ पर गोभी सरसों ज़्यादा उगाई जाती है। येलो सरसों यानी पीली सरसों जो है रबी क्रॉप के आधार पर असम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और कहीं कहीं पे पंजाब, हरियाणा, यूपी, हिमाचल में इसकी रबी की फसल ली जाती है। जैसे कनक की फसल लेते हैं उसी स्थान पे इसकी सरसों की फसल लेते हैं। इंडियन मस्टर्ड के जन्म के पहले ब्राउन सरसों कल्टीवेट की जाती थी, अब ब्राउन सरसों का स्थान इंडियन मस्टर्ड ने ले लिया है। अब ब्राउन सरसों बहुत ही कम उगाई जाती है, उसके स्थान पर लोग इंडियन मस्टर्ड उगाने लगे हैं। और बात करें अगर क्लाइमेट की, तो इसे टेम्परेचर 22 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए इस क्रॉप को, और रेनफॉल जो है 25 to 40 सेंटीमीटर। इसका सोइंग टेम्परेचर जो है, जब हमें बीज उगाते हैं उस समय का टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री होना चाहिए। अच्छा है कि 20 से 22 डिग्री हो, अगर कम होगा तो बीज उगने में ज़्यादा समय लेगा, अगर ज़्यादा होगा तो भी बीज उगने में ज़्यादा समय लेगा, हो सकता कुछ बीज डैमेज हो जाए या उगे भी ना। और हार्वेस्टिंग टेम्परेचर जो है, कटाई का समय टेम्परेचर जो होता है 28 से 30 डिग्री। इसी के साथ अगर मिट्टी की बात करें, सोयल की बात करें, तो इसे लाइट सोयल चलेगी, हैवी सोयल चलेगी, बट वीक सोयल नहीं चलेगी। हैवी एंड गुड क्वालिटी सोयल इसे चाहिए, मगर हाँ, सैंडी और लोमी सोयल जैसे हैं, जैसे कोई रेतीली ज़मीन है वहाँ आप तारामीरा जैसी फसल ले सकते हैं। अगर बात करें इनकी वैराइटीज़ की, तो तोरिया कम समय में तैयार हो जाता है। तोरिया की कुछ वैराइटियाँ जैसे PVT 37, TL 15, TL 17, जे 88 से 92 दिन लेती हैं सभी। PVT 37 की ईल्ड है जो 4.5 क्विंटल प्रति एकड़, TL 15 की 4.5 क्विंटल प्रति एकड़, TL 17 की 5.2 क्विंटल प्रति एकड़। इनके सीड से हमें 41.7% तक ऑयल मिलता है। और दूसरी कैटेगरी है राया। राया की कुछ किस्में हैं जैसे RLM 619, PVR 91, PVR 97, PVR 210, RLC 3। RLM 619 मतलब 619 जो वैरायटी है, जे इरिगेटेड और रेनफेड एरिया के लिए, जो बारिश वाले एरिया हैं उसके लिए बहुत ही बढ़िया है, वहाँ पर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है इसके। इसकी यील्ड जो है
8 क्विंटल प्रति एकड़ तक है, और जो ऑयल इसमें से मिलता है 43% तक ऑयल सीड से मिलता है। राया फसल जो है सभी इसकी सभी किस्में 140 से 150 दिन तक तैयार हो जाती हैं। इनमें से जो RLC3 है वैरायटी है वो एक टाल वैरायटी है, लंबी वैरायटी है। नेक्स्ट कैटेगरी गोभी सरसों, इसके कुछ किस्में जैसे GSL1, PGSH51, PAC401, GSC6। गोभी सरसों की फसल का किस्मों का जो समा होता है 150 से 160 दिन लेती हैं। इनकी यील्ड 6 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। नेक्स्ट कैटेगरी गोभी सरसों, इसकी प्रमुख वैराइटीज़ हैं जैसे RH0749, RH0406, T59 वरुणा। अगर बात करें RH0749 की, ये 146 दिन से 148 दिन तक तैयार हो जाती है। इसमें ऑयल की जो परसेंटेज होती है 40% तक इसमें से ऑयल मिलता है, और इसकी यील्ड की बात करें बहुत ही बेस्ट यील्ड है, 10.5 to 11 क्विंटल प्रति एकड़ तक ये मिल जाती है। अगर बात करें RH0406 की, ये बारिश वाले इलाकों में, नमी वाले इलाकों में बहुत ही बेस्ट है। ये 142 से 145 दिन लेती है, और 8 से 9 क्विंटल प्रति एकड़ इसकी यील्ड है। नेक्स्ट कैटेगरी है प्राइवेट कंपनीज वैराइटीज़ की। मस्टर्ड की कुछ प्राइवेट वैराइटीज़ हैं जैसे पॉइनीर 45S42, पॉइनीर 45S35, पॉइनीर 45S46। ये हाइब्रिड और हाई यील्ड वैराइटी हैं। ये वैराइटीज़ 125 से 130 दिन में तैयार हो जाती हैं। अर्ली मैच्योर वैराइटीज़ हैं, इनसे आप 12 से 13 क्विंटल प्रति एकड़ यील्ड ले सकते हैं, बट कुछ कंडीशन से यानी देखभाल से, अंडर ऑल सोइल क्लाइमेट कंडीशंस। इसमें ऑयल परसेंटेज का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, 45 से 55% तक आप इसमें से ऑयल ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जैसे आपका यील्ड है, जितने बढ़िया पोषक तत्व से आपकी फसल तैयार हुई होगी। मिनिमम 45%, डिटेल से नहीं बता पाऊँगा, पर कुछ अदर स्टेट्स वैराइटी हैं जैसे पूसा अग्रानी, पूसा मस्टर्ड 21, पूसा मस्टर्ड 24, NPJ 112, पूसा मस्टर्ड 26, पूसा मस्टर्ड 28। ये सभी वैरायटी मस्टर्ड वैरायटीज हैं। बात करते हैं लैंड प्रेपरेशन की, कि इसको उगाने के लिए आपको लैंड कैसी तैयार करनी पड़ेगी, मतलब मिट्टी कैसी तैयार करनी पड़ेगी, खेत कैसे तैयार करना पड़ेगा। अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको अच्छा खेत तैयार करना पड़ेगा। कम से कम 2 से 3 बार खेत की वाही करो, अच्छी तरह से धूप में सुखा लो, ताकि कोई सीड बोर्न डिजीज़ या अनवांटेड प्लांट कोई खेत में ना रहे। खेत की अच्छी तरह सफाई कर लें, स्टाइलाइजेशन कर लें, खेत की अच्छे से प्लैंकिंग कर लें, यानी वाही करने के बाद अच्छे से लेवल कर लें, समतल कर लें। बात करते हैं इसकी सोइंग की, इसके बीज को खेत में डालने की, तो जो इसका जो सही समय है सितंबर से अक्टूबर महीने का है। नेक्स्ट आप नवंबर दिसंबर में भी उगा सकते हो, पर इसकी ग्रोथ रेट है जो है वो स्लो हो जाएगा। बेस्ट एंड ऑप्टिमम जो समय है वो सितंबर से अक्टूबर मंथ है अच्छी फसल लेने के लिए। तोरिया की जो क्रॉप है वो सितंबर की 15 तारीख से अक्टूबर की 15 तारीख तक उगाई जा सकती है सही फसल लेने के लिए। इसके अलावा अफ्रीकन सरसों या तारा मीरा जो है वो आप अक्टूबर से नवंबर मंथ तक कभी भी उगा सकते हैं, और राया के लिए भी यही है अक्टूबर से नवंबर तक। इसके उगाने की टेक्निक जो है, रो टू रो का डिस्टेंस जो है 30 सेंटीमीटर होना चाहिए, और प्लांट टू प्लांट का डिस्टेंस जो है 10 से 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप गोभी सरसों की खेती कर रहे हैं तो उसके लिए 45 सेंटीमीटर रो टू रो डिस्टेंस होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट होना चाहिए। बीज की जो गहराई है 4 से 5 सेंटीमीटर पर्याप्त है। सीड खेत में लगाने से पहले, बीज खेत में लगाने से पहले उसका ट्रीटमेंट ज़रूर कर लें। ट्रीटमेंट के लिए थीरम केमिकल जो है बाज़ार में उपलब्ध है। थीरम 3 ग्राम पर केजी के लिए आप ले सकते हैं, और जो सीड रेट है
एक एकड़ के लिए 1.5 kg सीड आप ले सकते हैं। 1.5 किलो सीड, साफ सुथरा सीड आप एक एकड़ के लिए ले सकते हैं। तो बात करें अगर फर्टिलाइज़र की, तो तोरिया की फसल के लिए 55 kg यूरिया, 50 kg सुपर फास्फेट और पोटाश अगर आपको डालनी हो तो सोयल का टेस्ट करवा के ही डालें, ऐसे ना डालें। अगर आपको आशंका है कि सोयल में पोटाश की कमी है तो 5 से 10 kg पोटाश डाल दीजिए, लेकिन रिकमेंड करूँगा कि पोटाश, म्यूरेट ऑफ पोटाश ज़रूरत के अनुसार ही डालें। अगर राया और गोभी सरसों की फसल ले रहे हो तो 90 kg यूरिया, 75 kg सिंगल सुपर फास्फेट लीजिए और 10 kg पोटाश लीजिए। इन सब का मिश्रण करके दो भागों में विभाजन करके दो हिस्सों में दो समय में डाल दें। जैसे आधी आपने तब डाल दी जैसे खेत तैयार किया, और आधी जब फर्स्ट इरिगेशन, पहली बार आप सिंचाई करते हो, पहली बार आप पानी लगाते हो तब। न्यूट्रिएंट की बात करें तो राया और गोभी सरसों की फसल को 40 kg नाइट्रोजन, 12 kg फास्फोरस और 6 kg पोटाश प्रति एकड़ चाहिए। सबसे बढ़िया ये होगा कि जब आप खेत तैयार करते हो तो 70 से 120 क्विंटल तक फार्म यार्ड मन्योर है, जो गोबर खाद है, जो अच्छी डिकम्पोज हुई हुई, वो खेत में डाल दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम वीड कंट्रोल की, खरपतवार नियंत्रण की। आप सीड सोइंग के बाद, बीज लगाने के 2 हफ्ते बाद इसकी होइंग कर सकते हैं, इसकी ताल कर सकते हैं, जैसे घास फूस निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप केमिकल कंट्रोल करना चाहते हैं तो आइसो प्रोट्यून 400 ग्राम 200 लीटर पानी में डालकर प्रति एकड़ बीज खेत में डालने के 2 दिन बाद कर दें। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, आइसो प्रोट्यूरोन 400 ग्राम 200 लीटर पानी में सोइंग के यानी बिजाई के 2 दिन बाद खेत में डाल दीजिए, स्प्रे कर दीजिए। अगर बात करें इरिगेशन की, सिंचाई की, तो प्री सोइंग इरिगेशन जरूर करिए। बिजाई से पहले अगर आप इरिगेशन करते हो, सिंचाई करते हो, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छी जर्मिनेशन होगी, अच्छी ग्रोथ होगी। अच्छी ग्रोथ के लिए बिजाई के बाद 3 हफ्ते के अंदर अंदर 3 बार सिंचाई ज़रूर करें। अगर बाय चांस नेचुरली बारिश वगैरह बढ़ जाती है तो आप छोड़ सकते हैं, खेत में नमी बना के रखें। और ध्यान रखें खेत में पानी ना खड़ा हो, नमी बना के रखें, नमी से अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। फसल तैयार करते समय एक और बाधा जो बनती है वो बनती है कीटों की, कीटों का अटैक, कीटों का हमला। इनमें से कुछ इंसेक्ट पेस्ट हैं जो मेन इसी क्रॉप को इफेक्टिव करते हैं, इसी क्रॉप को इन्फेस्ट करते हैं, जैसे एफिड, पेंटेड बग, हेयरी कैटरपिलर। इसके अलावा कुछ डिजीज़ हैं जैसे ब्लाइट, डोनी मिल्ड्यू, वाइट रस्ट। इनमें से डिजीज़ कंट्रोल के लिए आप कप्तान 260 ग्राम 100 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ कर सकते हैं। और पेस्ट कंट्रोल के लिए जैसे एफिड हैं, कोशिश करें कि नाइट्रोजन का ज़्यादा यूज़ ना करें, नाइट्रोजन के ज़्यादा यूज़ करने से कीटों का हमला ज़्यादा हो सकता है। इनके केमिकल कंट्रोल के लिए बाज़ार में उपलब्ध है जैसे आप थाई मेथोक्सम 80 ग्राम प्रति एकड़ यूज़ कर सकते हैं 100 से 125 लीटर पानी में मिला के। इसके अलावा पेंटेड बग के लिए मेलाथियन 400 ml प्रति एकड़ यूज़ कर सकते हैं, डिक्लोबोस 200 ml प्रति एकड़ 100 से 125 लीटर वाटर में कर सकते हैं। हेयरी कैटरपिलर के लिए अगर आप मेलाथियन की 5% डस्ट का यूज़ करते हो 15 किलो प्रति एकड़, तो आपको हर तरह की कैटरपिलर से छुटकारा मिल जाएगा। अंत में अगर बात करें हार्वेस्टिंग की, तो ये फसल 110 से 140 दिन लेती है मैच्योर होने में। इसको मैच्योर तभी माना जाता है, तभी हार्वेस्ट किया जाता है, जब इसकी स्टेम भी हार्ड हो जाती है और जो इसका सीड है वो भी हार्ड हो जाता है, हार्ड बन जाता है, सख्त बन जाता है।
इसकी हार्वेस्टिंग के लिए मॉर्निंग का समय सबसे बेस्ट होता है। मॉर्निंग के समय शैटरिंग लॉस, यील्ड लॉस, ग्रेन लॉस कम होता है। सिकल की हेल्प से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग के ठीक बाद अच्छी तरह सुखा लें और इसकी थ्रेशिंग कर लें। बात करें पोस्ट हार्वेस्टिंग की, तो जब सीड कलेक्ट हो जाएँ तो इसे अच्छी तरह 4 से 5 दिन सुखा लें, जब तक कि इसका मॉइस्चर 8% तक ना रह जाए। जब इसका मॉइस्चर 8% आ जाए तो आप इसे प्रॉपर सूखे हुए सीड को बैग में स्टोर कर सकते हैं या किसी भी बीन में स्टोर कर सकते हैं। पैकिंग के बहुत तरीके हैं, वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अभिनंदन करना चाहता हूँ कुछ दोस्तों का, जैसे हमारे चैनल को विज़िट करने के लिए, वीडियो को व्यू करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए और कमेंट बॉक्स के अच्छे कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों।